चलो काजल, हमने मुंगरा डांस तो बड़े अच्छे से कर लिया, लेकिन तुम्हें पता है डोर को पुलिस जुड़ रही है और बड़ी बेसब्री से उसे पकड़ने का इंतजार कर रही है। तुम्हें पता है ये डॉन कहाँ से आया है और कौन है ये डॉन? अरे जस्मीन, तुम्हें बता दूं, ये डॉन अभी हमारे आसपास ही है। कहो तो तुम्हें बता दूं वो कहाँ से आया है और कहाँ है। चलो बताती नहीं हूँ, सीधा इन्हें बुला ही लेती हूँ। तो डॉन और प्रकाशी, आप फिर स्टेज पर आ जाइए। डॉन के लिए डॉन के अंदाज में ही शायरी में बताऊंगी। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता। हम वहां पे कदम रखते हैं जहां पे कोई रास्ता नहीं होता। हम वहां पे कदम रखते हैं जहां पे कोई रास्ता नहीं होता। तो चलिए, अभी तो आप गाने के बोल समझ ही गए होंगे, तो सीधा प्रकाश जी से ही पूछ लेते हैं। डॉन पर तो ज्ञान वालों की पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन सुनो ध्यान से, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सही बात है, कानून के हाथ में लेंगे हम। दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानों मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। कश्मीर की वादियाँ, और उसमें भी ब्यूटीफुल तनुजा की। हाँ,
ब्यूटीफुल शर्मिला टैगोर जी की तारीफ करते हुए शम्मी कपूर अपने निराले अंदाज में कुछ ऐसे कहते हैं, ये चांद सा रोशन चेहरा और ये प्यारा सा गाना पेश करने आ रहे हैं श्रीकांत ठाकुर जी। Oh,
श्रीकांत जी आप प्लीज स्टेज पर बने रहिए, आपके लिए कुछ है। पहले तो मैं बड़े कलाकारों से हमेशा सर झुकाकर बात करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया गाया आपने और आपके लिए एक बहुत ही आप जैसी एक शायरी है। हौसले हो अगर बुलंद तो आसमां भी छू सकते हैं, हौसले हो अगर बुलंद तो आसमां छूने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर गायकी इतनी सुरीली हो तो फिर गाने से कौन रोक सकता है। बहुत ही बढ़िया, आते रहिए। श्रीकांत जी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, अगर इन्हें हम देखेंगे तो हम एक बार जरूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप जब चाहे जब ही चाहे कुछ भी सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच श्रीकांत जी। अभी हमारा अगला गाना लेकर आ रहे हैं मुफाजल रुवाला। बेशक मैं एक शायर हूँ और मेरी लिखी शायरी तू है, बेशक मैं एक शायर हूँ और मेरी लिखी वो शायरी तू है। कुछ पन्ने छोड़ दिए हैं लिखने को मैंने और उन सारे पन्नों की डायरी तू है। हर रोज होती है खुदा से गुजारिश, उस गुजारिश की पहली फरमाइश तू है। बेशक मैं एक शायर हूँ और मेरी लिखी वो शायरी तू है। गर्ज फिल्म से 1980 में रिलीज हुई गर्ज फिल्म मोहम्मद रफी जी का गाया हुआ गाना दर्दे दिल दर्दे जीगन। तो चलिए शुरू कीजिए आपके सुरीली आवाज में। शुक्रिया जी, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। और गाना साथ में थैंक्स बोलना चाहूँगा सारे ऑडियंसेस को जो आप लोग क्लैप करते हैं, वाइल वाइल गाना गाते हैं, उससे एक रिदम मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। सो प्लीज कैरी ऑन करते हैं। Yeah.
क्या बात, बहुत ही बढ़िया गाया आपने।